फर्क है मुझे तो अंदाजा है, आप फिर भी बताइए। हमारी कोशिश होती है कि कम से कम रेट में दिया जाए, मार्केट से ना क्वांटिटी होती है तो उस पर अच्छे डिस्काउंट दे देते हैं। मुझे तो देखें एक अंदाजा जो था ना पर मीटर पे भी तकरीबन 200-250 रुपये का डिस्काउंट था, इधर कम रेट पे था, और जब क्वांटिटी में हम गए हैं तो वो फर्क काफी बढ़ गया है। तो इनसे बोला है जरा टर्न करके दिखाएं, तो ये लिखा हुआ है प्राइम रेट ट्रिपल ए, तो ये ए ग्रेड का माल है। तो अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, रब के फजल से खैरियत से होंगे। तो आज हम कहाँ पर हैं जनाब? फूडी मूडी व्लॉगर आज मौजूद हैं एक गोदाम के अंदर। तो अच्छा, यहाँ पे होने का एक मकसद है, एक वजह है। असल में जो हमारे उमर अख्तर साहब हैं, उन्होंने विला की कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ टाइल्स ख़रीदी थी इस गोदाम से। अच्छा, तो उनको ये लगा कि ये काफ़ी, उन्होंने मार्केट को टच किया टाइल्स की और घूम फिर के फिर उन्होंने यहाँ से ख़रीदी हैं। तो उसकी वजह ये थी कि इनका होलसेल का रेट है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में, मतलब आम मार्केट से बहुत कम प्राइस में ये लोग जो है ना टाइल्स दे रहे हैं। और क्योंकि इनका होलसेल का है तो मोस्टली जो दुकानों वाले, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। तो उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम मौजूद हैं एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज हम लोग उन लोगों के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी जो अपना घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या टाइलों का काम शुरू करना चाहते हैं, जैसे हमारे दुकान वाले हैं, या वो माल कहीं से परचेज करना चाहते हैं। तो हम एक गोदाम में हैं जहाँ पर जो टाइल्स हैं 12x24, 12x12 और 24x जो 38 के साइज, 28 38 होता है ना, 2x4, इसके जो साइज़ हैं ये मिलते हैं यहाँ पर। और सारी जो हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड टाइल्स, और जो फैसलाबाद में जिनका प्लाट्स वाले वो उनका इनके पास माल होता है, और बड़ी क्वांटिटी में भी ये डील करते हैं, और छोटी भी क्वांटिटी, किसी को अगर कम चाहिए हो तो वो भी करते हैं। इन भाई से हम इनकी थोड़ी डिटेल लेते हैं चीज़ों की, और देख भी लेते हैं कि किस तरह की इनकी चीज़ें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। वालेकुम सलाम। अच्छा नियाज भाई, ये थोड़ा एड्रेस गाइड कीजिए, आपके गोदाम का जो एड्रेस है ये किस जगह पर है? ये नया गोली मारे फिर दोस्त गोली निकल आता है, ताज पेट्रोल पंप की बैक साइड पे। ताज पेट्रोल पंप की बैक साइड पे, और गोदाम नंबर क्या है ये? गोदाम नंबर तो नहीं, ये ताज पेट्रोल पंप की बैक साइड जो है मशहूर है यार। अच्छा, तो अगर कोई आना चाहे तो किस तरीके से आ सकता है, थोड़ा मतलब आप गाइड भी कर दीजिए, और जो अपना नंबर है वो सबसे पहले शेयर कीजिए कि अगर कोई भटक जाए तो वो फिर आपको कॉल कर सके। यहाँ पे गोलीमार में लाल मस्जिद मशहूर है जी, अगर कोई आना चाहे तो लाल मस्जिद पे आ जाए और रब्ता कर ले। ये बताइएगा आपके पास किस तरह की टाइल्स होती हैं और क्या मतलब उनकी क्वालिटी होती है, तो ये भी बताइए जी। हमारे पास यहाँ पे जो अवेलेबल स्टॉक है वो 12x24, 16x16, 21x21, 2x4 और 2x2 की टाइल मौजूद है यहाँ। अच्छा, और ये अक्सर जो रेट्स हैं इनमें ये कितना डिफरेंस होगा एक अंदाजन अगर मार्केट से देखा जाए? क्योंकि हमने तो आपसे, अच्छा एक और भी बात डिस्क्लोज कर दूं कि मैंने इनसे खुद भी सामान चीज़ें परचेज की हैं, वो भी मैं वीडियो में एडिट कर दूंगा। इन्हीं के यहाँ से माल लोड हुआ है और इन्हीं के यहाँ से गया है, ताकि आप लोगों को एक ये हो कि भाई कोई पेड करके वीडियो नहीं बनाई हुई इन्होंने, इनका माल वाकई में सस्ता है। मैंने पूरी मार्केट सर्च की है और उसके बाद इनका जो माल है इनसे खरीदा है। तो आप मुझे बताएं कितना एक अंदाजन फ़र्क है, मुझे तो अंदाज़ा है, आप फिर भी बताइए।
हमारी कोशिश होती है कि कम से कम रेट में दिया जाए मार्केट से ना, तो क्वांटिटी होती है तो उस पे अच्छे डिस्काउंट दे देते हैं। मुझे तो देखें एक अंदाज़ा जो था ना पर मीटर पे भी तकरीबन 200-250 रुपये का डिस्काउंट था इधर, कम रेट पे था, और जब क्वांटिटी में हम गए हैं तो वो फ़र्क काफ़ी बढ़ गया है। तो अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि इधर कुछ प्रॉब्लम भी होती है कि अक्सर बाहर की जगह पर कम रेट मिल जाते हैं और यहाँ हम गोदाम पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ के रेट ज़्यादा हैं ना। एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है सीन, तो वो क्या ब्लंडर होते हैं या क्या चीज़ें होती हैं वो भी थोड़े नाज़रीन को बताइए कि अक्सर ऐसे अभी हुआ है कि यहाँ पर लोगों ने रेट कम दिए हैं लेकिन वो उन्होंने साइज़ में मसला कर दिया है या ए क्वालिटी का माल बोल के बी क्वालिटी का दिया है। तो इनका जो है गारंटी होती है माल की कि ए क्वालिटी बोल रहे हैं तो ए क्वालिटी ही होगी, वरना ये भी मैं डिफरेंस बता दूंगा आपको कि इन्होंने मुझे दिखाया था दो टाइल्स थी बिल्कुल सेम और उसमें ए बी को आप पहचान भी नहीं सकते थे। तो ए बी अगर किसी ने पहचान नहीं हो कि ए क्वालिटी कौन सी है और बी कौन सी है तो किस तरीके से पहचान सकते हैं। इसमें फर्क क्या होता है वैसे? पर रूल का फर्क आता है, मतलब शेड का फर्क आता है कि एक जहां ना होता है। अच्छा शेड वेरिएशन आ जाएगी कि अगर आप प्राइम क्वालिटी का माल लेते हैं तो भले आप दो टाइम तीन टाइम जितनी भी टाइम आपने परचेजिंग करी टोन का डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन बी क्वालिटी के माल में मसला ये होता है, एक तो किनारों का थोड़ा प्रॉब्लम होती है और टोन का डिफरेंस आ जाता है। मतलब कि समझें कि आप शेड एक शेड थोड़ा हल्का होगा एक थोड़ा डार्क हो जाएगा, इस तरीके से बी क्वालिटी के माल में फर्क आता है। ये भी इन्हीं के गोदाम का हिस्सा है, ये भी मैंने बोला आपको दिखा दूं, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा गोदाम है और बहुत क्वांटिटी में इनके पास माल है और सारा माशाल्लाह मुझे जो दिख रहा है प्राइम क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का सामान है। और कुछ इनको अपनी ऑडियंस को थोड़ा ओपन करके भी बॉक्स से दिखाते हैं कि जी आपको मैं दिखा भी देता हूँ एक टाइल खुलवा के। अच्छा भाई जरा दिखाइएगा एक टाइल खोल के कि किस तरह के ये 24x38 जो 2x4 का साइज कहलाता है, ये जी फ्लोरिंग का साइज है, ये देखें ये प्राइम क्वालिटी का है जी। इसकी जरा पन्नी हटा के दिखाइएगा, ये देखिए फ्लोरिंग के लिए यूज की जाती है फिलहाल जरा घरों में। अच्छा और इधर लिखा हुआ भी होता है डिब्बों के ऊपर के प्राइम क्वालिटी के, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये मैंने इनसे बोला है जरा टर्न करके दिखाएं तो ये लिखा हुआ है प्राइम ग्रेड ट्रिपल ए, तो ये ए ग्रेड का माल है। तो ये सारी इनके पास चीज़ें हैं। अच्छा 2x2 का भी एक टाइल मैं दिखा देता हूँ, इसके अलावा ये लोग स्टार्टिंग वगैरह भी कटवा देते हैं, तो आप लोग मतलब एक बड़ा आपके लिए ये वो है प्रॉफिटेबल होगा कि अगर आप इनके साथ काम भी करते हैं या फिर अपने विला या अपने घर के लिए भी टाइल्स लेते हैं तो ये वो भी दे देते हैं, यानी कम क्वांटिटी में भी माल ले सकते हैं और अनलिमिटेड क्वालिटी जितना भी मतलब क्वांटिटी में चाहिए वो भी मिल जाएगा और कम क्वांटिटी। जी बिल्कुल ये होलसेल गोदाम है पूरा इनका। अच्छा ये एक 2x2 का साइज भी मैंने बोला कि दिखवा दूं, ये देखिए। अच्छा ये कहां पे यूज होती है? ये भी फ्लोरिंग की टाइल है, अपनी चॉइस होती है चाहे वो दूसरी वाली यूज कर सके चाहे ये देखें। अच्छा प्राइम क्वालिटी के सब टाइल में ये ऊपर पन्नी होती है, इसकी जो पैकिंग है वही दिखती है कि हाँ किस तरह का माल है। भी एक पीस दिखा दीजिएगा जरा, ये जो है ये 12x24 का है और इसके अलावा मैं आपको इनका डिस्प्ले भी दिखा दूंगा तो वो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, और वो भी क्लिप दिखाऊंगा जिसमें मैंने खुद इनसे माल खरीदा है और वो सारा लोड हो रहा था, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो के अंदर एडिट करके दिखाता हूँ। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर हमने की, और काइंडली जो भी आना चाहे तो डायरेक्ट इनके गोदाम में चला जाए तो ये उसको डील कर लेंगे,
और ये कि ज़्यादा कॉन्टेक्ट कॉल्स वगैरह करके लोग परेशान करते हैं ना, तो रेट्स वगैरह मालूम करने के लिए, तो उससे थोड़ा सा ये लोग अवॉइड करते हैं। अच्छा, तो ये इनका छोटा सा डिस्प्ले था, अभी इनका डिस्प्ले अभी बन रहा है, तो अभी जस्ट इन्होंने ये जस्ट थोड़ा सा डिस्प्ले रखा हुआ कि जैसे फ़र्स्ट आने वाला कोई भी फ़र्स्ट इम्प्रेशन क्या उसको देना है टाइल्स के हवाले से, तो इन्होंने ये दिखाया हुआ। अब उसके बाद ये है कि ये जो ने पहले अपने खुद से बताया उन्होंने कि उन्होंने इनसे परचेज़ किए हैं टाइल्स वगैरह उमर ने, तो ये कि वो ये उनकी लोड हो रही हैं इसके अंदर, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं ये सारा सामान अब जाएगा बहरिया डॉन कराची में उनके विला पे, तो वहाँ पे भी हम आपको साथ में लेके जाएंगे, वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। अभी वो मैं क्लिप्स आपको साथ में ऐड कर देती हूँ। अब ये देखिए ये वहाँ पे विला पे पहुँच चुके हैं, तो ये वही सामान है जो वो अपने विला पे उसको वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी उन लोगों के लिए जिन लोगों के घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही नहीं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत बहुत मज़े की वीडियोस आने वाली हैं नेक्स्ट, और आपके फ़ायदे की हैं सब। तो जनाब आज के लिए अलविदा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।